भाई सुल्तान में मैंने सलमान खान के फादर साहब का रोल किया। मिलकर तो काम करना चाहिए लेकिन हाड़ मिलकर काम करते नहीं। न्यू तो खैर मैं किसी सुनू थोड़ी हूँ, न्यू तो मैं मेरे काम ते फेमस हूँ, सब चंबो चाली आए है। आया कि तू पढ़ रहे हो या गेट खुले पड़े? आज यात्री ननंद आगी मारे लकड़ा। तो जी हरियाणा की धाकड़ छोरी दूसरी बार हमारे साथ जुड़ी है। पहले तो राखी जी एक बार आप फिर से आपका हरियाणा में स्वागत है। जी राम राम जी। अच्छा तो राखी जी जब हम आपसे मुलाकात हुई उस वक्त जो धाकड़ छोरियाँ उसकी जो शूटिंग वो चल रही थी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस को मिला तो आपको उसके लिए बधाई भी। तो पहले ये बताइए कि किस प्रकार से जब उसका क्या मतलब अंतर फ़र्क उसमें आपको दिखा करने के बाद और वो जो कि लोगों ने देखी धाकड़ छोरियाँ तो किस प्रकार के रिव्यू लोगों के आपको मिले इस प्रोजेक्ट के बारे में? लोगों के तो बाद में बता दूँ, पहले मैं अपना बता दूँ रिव्यू। मैं खुश नहीं हूँ उस सीरीज से। अच्छा हाँ मतलब पांच में तो मैंने नंबर देने की बात करें अगर तो पांच में तो मैं उसने देना तो एक चाहूँगी पर मैं फिर भी मैं हूँ उसमें तो उसने दो नंबर देना चाहूँगी मैं क्योंकि बहुत कमी थी उसमें, बहुत ज़्यादा कमी थी। जो हमारे सर थे डायरेक्टर सर राजीव सर मुंबई में उन्होंने काफ़ी काम किया है तो मन के विश्वास था कि सर बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट निकाल लेंगे तो वो लिकड़ कर ना आया और जितनी बननी चाहिए जो टेक्निक के हिसाब से जो काम होना चाहिए साउंड और जो क्वालिटी आई निकल के आपके हिसाब से वो निकल के इसमें नहीं आया। हाँ वो निकल के नहीं आई, उसका प्रोडक्शन काफ़ी लो था। अच्छा तो राखी जी अभी आप जो चौपाल के साथ आने वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले तो किस प्रकार का वो प्रोजेक्ट है और किस प्रकार से उस पर जो बात है सहमति वो पाई आपकी? चौपाल के साथ काम करके अभी एक मेरी फिल्म वेब सीरीज आएगी हरियाणा केसरी, काफ़ी बेटर काम लगा मेरे को। मैं कंपैरिजन नहीं कर रही कि कौन के कर रहा है, क्या पता कल ना मतलब कोई और अच्छा काम कर दे है ना, लेकिन जो हरियाणा केसरी में काफ़ी मतलब बेटर कोशिश की गई है और स्क्रीन भी क्वालिटी भी सब पे काम कराया गया है। कमी होंगी लेकिन धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव होंगी। और बाकी चौपाल अभी जो आगे आगे प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो उनका मेन मतलब जो है पॉइंट की यही है कि हम अच्छी क्वालिटी लेके आए जब वे लोग मारी गैल जुड़ेंगे। इब फिलहाल जैसे आपने क्वेश्चन करा था कि हरिओम जी से कि मतलब लोग आ ना रहे देखना है ना कि ऑडियंस जुड़ ना रही तो वो जुड़ेगी ऐसे जब हम अच्छा काम करेंगे। इब मैं वीडियो बनाया करती शुरू में, एग्जाम्पल उस तरह लगा लो आप, वीडियो बनाती गई धीरे 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 इम्प्रूव होता गया वो चीज़ ना तब उतने ही लोग मेरी गल जुड़ते गए। तो ऐसा ही फिल्मों का है, जितना अच्छा काम करेंगे उतने अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते चलेंगे। बिल्कुल देखो हरियाणा में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और आपको देखें तो और जिस प्रकार से वीडियो आप इतनी अच्छी अच्छी बनाती हैं तो आपको हिसाब से हमें जो मेहनत करने की जरूरत है वो क्वालिटी के ऊपर है, कंटेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, जो कमी है वो सिर्फ जो क्वालिटी है वो हम नहीं दे पा रहे आपके हिसाब से? हाँ क्वालिटी पे कमी है और कंटेंट कि आप कंटेंट अच्छा बना लो लेकिन क्वालिटी नहीं होगी ना वो फिर बढ़िया ना लगा है, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और एक और चीज़ की आर्टिस्ट भी जो भी कैरेक्टर है मान ले जो कैरेक्टर में फिट बैठ रहा है ना वो ही लेना चाहिए, न्यू ना कि भाई आजा भाईचारे में तन्ने ले लिया तू ले, वो भाईचारा थोड़ा सा कम करो। खासकर देखो हरियाणी बोलो ना बड़ी शर्म मानना है। हाँ। खासकर जो छोरी छारी है तो देखो आप तो देखो बोलते बड़ा प्राउड फील होता है लेकिन जो बहुत सारी जो छोरियाँ हैं बड़ी शर्म मानना है हरियाणी बोल जान, उसकी क्या वजह है कि थोड़ा सा वो दिखावाएंगे तो थोड़ी सी और अच्छा बढ़िया लगेंगे? बल देखो पहले ज्यादा था, पहला या चीज ज्यादा थी या लोग हरियाणवी बोलते ना शर्माया करते ना, ईब तो शायद कम होया, ईब तो शायद रीस करे हैं लोग बोलना चाहे हैं और लोगों ने मजा आवे है देखने में है ना, तो धीरे धीरे मतलब ग्रो करेंगे जैसे जैसे तो भाई बोलना शुरू करेंगे लोग जो शर्मा हुए हैं। बिल्कुल हाँ, तो आपका नहीं ऐसे जब शुरुआत में जब आपने कंटेंट बनाना शुरू कराया हरियाणवी में अरे तो लोगों ने भी मतलब देखो सबने बिल्कुल तारीफ करी होगी हमें पता है, तो आपको नहीं थोड़ा सा ऐसे किसी ने बोला कि भाई तू छोरी हो गई इतनी क्यों ठेठ बोलने लग रही है थोड़ी सी ठीक बोले? खासकर स्कूल कॉलेज में बड़ा नु बोल जा रहा भाई नु उकर बोलने लग रहा तो हरियाणवी? न्यू तो खैर मैं किसी की सुनू थोड़ी हूँ, न्यू तो मैं मेरे काम ते फेमस हूँ, सब चंबो चाली आए है। बाकी कॉलेज में ये चीज़ हुई थी मैं जब हरियाणवी बोला करती ना जैसे लोगों ने न्यू यकीन ना होया करता कि मेरा ना क्यों ना होया करता, मेरे चेहरे में से किन्नू का लागता कौन है कि तू हरियाणवी बोल सके है, ये मगर लठ मार के न्यू बताऊंगा हरियाणवी बोलूँ मैं। तो उस टाइम मतलब किसी किसी ने अच्छी भी लागया करती लेकिन कोई कोई न्यू भी क्या करता कि मतलब वो नहीं क्या कर बेटोड़े के मुँह तो गुस्से लगड़ा कर वो वाला जोन था। अच्छा हाँ मतलब शर्माया करना कि भाई ना बोल लगी पर मैं ना डरी कदे मन ने तो खुल के बोली
नेशनल टीवी पे बोली, जब रोडीज में गई बीवी को लगा बोलूं अरे न्यू बढ़िया तरिया न्यू हरियाणवी बोलूंगी बस। अच्छा तो जब के घर का जो माहौल होता है, देखो आप ठेठ भी बोलती है हरियाणवी जब बोलती है और थोड़ा सा कि कर लेना ये कर लेना, मतलब थोड़ा एनर्जी के और एंगरनेस के साथ आप बोलते हैं, तो घर पे सेम आप इसी तरह बोलते हैं प्यार से बोलते हैं घर पे? तो नहीं, मेरा नेचर ही सा शायद। हाँ मेरी बुआर बजा रही हूँ मैं, हाँ मेरी बुआर बहुत न्यू धाकड़ बोला कर मेरी दादी, तो शायद असर तो पड़े जा है, तो वह चीज शायद मेरे अंदर आ रही है। आपने पिछले इंटरव्यू में बताया भी था कि आपको जो ये कंटेंट क्रिएट करने का जो आइडिया वो अपनी बुआ दादी दोनों को देखे, उनको ऑब्जर्व करा, उड़े तैयार है सारी चीजें आई लग रही। हाँ हाँ, मतलब आस पास से, बाकी मैंने ललित के साथ काम किया, जैसे ललित शौकीन के साथ, उनके साथ भी काफी कुछ सीखा है मैंने, और फिर उड़े तैयार लोगों ने पसंद आने लगी की कॉमेडी वीडियो, तो इसलिए बना लिया करूँ बस यही है जी। चलिए राखी जी, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे जो कंटेंट है वो क्रिएट करते रहे ताकि जो हरियाणा ये उसको ऐसे ही प्यार मत दे। आपका धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो जी थैंक यू सो मच। उठ तेरे गुलाबों से ये तेरी आंख परियासी। हर्ष भाई, पहले तो यार आपकी वो मेवात वेब सीरीज देखी, बहुत कमाल का आपने उसमें रोल किया है, तो जी आपको मतलब शुरुआत से ही जो दबंग टाइम की ये जो करेक्टर वो करने की पसंद आपको अच्छी लगती है? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की सोच है कि इस तरह के करेक्टर देने हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं देखे मैं भी कर सकूँ। मन जो चीज़ अच्छी लगा है वह यह है कि कोई करेक्टर है तो पहले उस करेक्टर में अपने आप ने लेकर जाऊँ, उस करेक्टर के लायक बनूँ, जब जाकर वो करेक्टर करूँ। इब जो कर एक आधी फिल्म प्लान कर रहे हैं हम, उसमें जो दही है वह तगड़ी चाहिए, क्योंकि पहलवाना की फिल्म है वह, तो मैं उसमें अगर 50-60 किलो का होकर और वह फिल्म करूँगा तो फिर किसा लगूँगा। तो बस ये है, बाकी अपना मेवात मैं जो प्यार दिया उस चीज़ के लिए धन्यवाद। अच्छा तो गलो साहब, एक और चीज़ देखी जाए, जो हरियाणवी जो नए जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, टैलेंटेड आ रहा है उभर के, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इस टैलेंट को मिलजुल कर काम करने की बहुत ज़रूरत है? क्योंकि हम देखते हैं कई जगह सुनने में भी आता है कि आपसी हरियाणा में थोड़ा सा जो खींचातानी है वो काफ़ी बढ़ रही है। देखो इसका जवाब तो आपने दे दिया, मिल के तो काम करना चाहिए, लेकिन हाड़ मिल के काम करते नहीं। अपना पंजाब के ना देखोगे तो उड़ा सारे एक तरह से टीम बना काम कर रहे हैं, हाड़ कॉम्पिटिशन सा ले हैं सारे के सारे, तो उड़ा नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। अच्छा तो हर्ष जी देखो, गाने भी आप बेहतरीन आप करते हैं, गानों भी परफॉर्म करते हैं, अच्छा फिल्में भी वैसे भी आप कर रहे हैं, तो ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है, गानों में आया उसमें ज़्यादा? भगवान की शो, फिल्म आता बढ़िया मज़ा क्या है मैंने क्या है पर उसमें ये नहीं कि ज़्यादा मेहनत होती है, गाना तो चलो 2-4 मिनट का है, वो शूट किया काम खत्म, उसमें थोड़ा लंबा करना पड़ता है। गाने जो है, गाने सही बताऊँ तो 17-18 घंटे लगातार काम करा हम। अच्छा तो और फिल्मा में न्यू कौन है, फिल्मा में तो आप गए अपना शॉट दिया रिलैक्स कर लिया, तो फिल्म बहुत इजी चल रहे हैं और फिर फिल्म ने देखने भी मज़ा आया है। गाना ठीक है, गाना करना पड़ा है, पर फिल्मा की बात आप कंपेयर नहीं कर सकते गाने ना फिल्मा ना। बात करने के लिए हर्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे साथ नवीन जी, बहुत ही सीनियर कलाकार हैं हरियाणा के, और बताना चाहूँगा कि जो आपने जो सुल्तान फिल्म देखी होगी उनमें जो सलमान खान थे उनके पिता का रोल आपने निभाया, बहुत ही कमाल के कलाकार। सर पहले तो जी स्वागत आपका हरियाणा में। भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए तो सर, पहले फिल्म का सर, उसका किस प्रकार से कैसा माहौल था, कितना मज़ा आया काम करके, क्या कुछ वहाँ से सीखने को मिला, देखा आपने, अनुभव किया? कौन सी फिल्म का बताऊँ भाई? सुल्तान का। भाई सुल्तान में मैंने सलमान खान के फादर साहब का रोल किया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और वहाँ जब हम शूट के लिए जाते हैं तो यहाँ की सारी बातें हैं ना हमारे जहन में रहती है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि भाई हम हरियाणा का इनपुट दें उसमें, तो वो बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, और एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला, वो हमने बखूबी निभाया। और भाई हरियाणा वाले हाँ तो बाबू तो घाट तक बनाएंगे हम सही बात। अच्छा तो नवीन जी, आपने जब शुरुआत देखा कि हमने खासकर जब सुल्तान जैसी फिल्में आई, दंगल फिल्म आई, इन फिल्मों के बाद एक हरियाणवी इंडस्ट्री को बूथ सा मिल गया, काफ़ी एकदम से अचानक से ग्रोथ कर गई, तो आपको लगा कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक लोगों के जहन में गया और कि ऐसे कोई हरियाणा के लोग हैं, इस प्रकार का कल्चर है, लोगों के मन में एक जागरूकता उठी कि हम थोड़ा सा उसके और जाने किस प्रकार का कल्चर है? देखो जो पहले हमारी परसेप्शन थी ना हरियाणा के बारे में, वो लठमार, थोड़ा सा रूड बोलना, ये करना वो करना, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारा जो युवा
साथी है वो सारे इतने बढ़िया निखर के आ रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनको लगा कि हाँ भाई देखो दिल डोलते भी बढ़िया बालक, साफ सुथरे नहाए धोए बोलना चालना भी ठीक हो गया, तो वो बहुत अच्छा काम उन्होंने करके दिखाया। तो अब बॉलीवुड को भी ये हो गया है कि भाई कुछ ना कुछ जरूर इनपुट हरियाणा का भी डालो, तो इसलिए हरियाणा के अंदर ये चीज निखर के आई है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को करें और आगे बढ़ें। तो हमने बहुत काम किए हैं, बॉलीवुड में भी किया, अब हरियाणा में मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह बहुत सारी फिल्में आज उड़े भी शूट हो रहा है, आज उड़े भी शूट हो रहा है, तो ये अच्छा लगता है कि हम आने वाले समय में ना वो टाइम हमारा ही होगा, हरियाणा का होगा और हरियाणा बल्ले बल्ले कर देगा। अच्छा तो नवीन जी देखो आपने बॉलीवुड को अभी करीब से देख लिया है और अभी हरियाणा इंडस्ट्री को आप देख रहे हो, तो दोनों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? क्योंकि देखो एक अनुभव आपको पता है कितनी बड़ी इंडस्ट्री में इस प्रकार से काम होता है, हरियाणा में भी देख रहे हो आप, तो आपको क्या क्या थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है और क्या सुझाव देना चाहेंगे कि हरियाणा इंडस्ट्री को कहाँ पर सुधार करने की जरूरत है आपके हिसाब से? थोड़ा सा देखो वो बड़े बजट की फिल्में होती हैं तो वो पैसे को जैसे खुले हाथ से खर्च करते हैं तो टेक्नोलॉजी का फर्क वहाँ आ जाता है, और हमारे जो लोग हैं वो अभी जुड़े हैं, उनकी स्टार्टिंग है, तो यहाँ थोड़ा बजट का मामला डाउन रहता है, लेकिन इसलिए थोड़ा सा अभी आने वाले टाइम में प्रोड्यूसर भी अच्छे अच्छे मिलने लगे हैं, चौपाल ऐप आ गई है और दूसरी ऐप पे आ गई हैं, वो सारे के सारे ये कर रहे हैं, ये इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक दिन हम भी बॉलीवुड तक आएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए नवीन जी बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सारे भाइयों, राम राम। तो जी इस वक्त काफ़ी जो कलाकारों की जो पूरी बैठक है इसमें हम भी शामिल हो गए हैं, और आप मेरे साइड देख सकते हैं कि जो मेकर्स हैं हरिओम जी हमारे साथ बैठे हैं, और बहुत जल्द ही इनकी बहु काले की जो सीरीज है वो आने वाली है, तो पहले तो उसके लिए जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, और आपकी ऑडियंस ने राम राम मेरी। अच्छा तो जी आपको लग रहा है कि जी जिस प्रकार से जो अब इतना सारा जो कंटेंट हरियाणा में बन रहा है, इतनी सारी सीरीज आ रही हैं, फिल्में आ रही हैं, तो आपको लग रहा है कि जी आने वाले 2-4 सालों में हम भी जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं एक नाम हरियाणा इंडस्ट्री भी बना लेगी, हम उनके बराबर में आ जाएंगे? बन ही चुकी है मेरे हिसाब से तो, और फिर बड़ी का पैरामीटर तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा कंटेंट बनना चाहिए। बड़ा तो क्या है कि आप 100 करोड़ लगा के 1000 करोड़ कमाते हो, फिर भी उन्होंने कह दो कि यार पिछली तो 2000 करोड़ कमाई थी, जैसे बाहुबली, RRR, तो हमें इस चीज़ से बड़ी से तो कुछ नहीं सोचना चाहिए। हाँ कंटेंट अच्छा बने, पारिवारिक बने, सभ्य बने, चीज़ें मजे आओ देख कर, तो उसकी कोशिश हम कर रहे हैं, हर आगे गौर करते रहेंगे। अच्छा जी एक और चीज़, जैसे कि हरियाणा में ना अब देखो जो हरियाणवी जो कंटेंट है गाने नो डाउट बहुत अच्छे चल रहे हैं, हरियाणा में क्या है अभी भी चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री का अभी भी दबदबा है, हरियाणा में भी आप पंजाबी जो फिल्में थिएटर में बहुत खूब उनको प्यार मिलता है, और चाहे फिर वो बॉलीवुड फिल्में वो तो चलती हैं, तो आपको नहीं लगा कि काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है हरियाणवी इंडस्ट्री को, क्योंकि एक ऑलरेडी इतना दबदबा होने के बावजूद अपना अलग से एक जगह बनाना, स्पेस बनाना, थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? भाई इसमें कमी हमारी है, मेकर्स की है, हम अच्छा क्वालिटी का कंटेंट बनाओगे तो ऑडियंस प्यार देगी, क्यों नहीं देगी? आज आपा मिलने का रीजन भी हो है ना, आज तक 2 साल पहले अपन सोचा था इंटरव्यू करांगे फिल्म एक्टर्स के डायरेक्टर्स के साथ, तो अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे तो और भी बढ़ेगी, तादाद बढ़ती जाओगी। पंजाब वालों ने क्या है कि शुरुआत उनकी भी ऐसी थी, इसी बात नहीं है कि एकदम उन्होंने ब्लास्ट कर दिया ना, वो हर चीज़ की एक जर्नी हुआ अगर आप उड़ा पूछण खातर करते लिखड़े थे ना, तो नोए है आप शुरुआती दौर में हरियाणा, और मैंने नू लग रहा है कि अच्छा कंटेंट जो अपने क्रिएटिव बालक हैं यार दोस्त भाई बड़े छोटे अच्छा काम कर रहे हैं, तो और सार्थक जब एक कॉम्पिटिशन होगा ना, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन होगा ना कि अच्छा इस भाई ने उड़ा बनाई तो मैं कोशिश करूँगा याडे बनाऊँ, फिर वो उस तक नू जब कॉम्पिटिशन होगा ना तो अच्छा कंटेंट बनेगा, फिर मैंने लागे ऑडियंस ऑडियंस होती है वो हरियाणा पंजाब और देश की ना, वो हर जगह उनको अच्छी चीज़ लगेगी तो देखेंगे। सैराट एक फिल्म आई थी महाराष्ट्र की मराठी, तो उसका वो इतनी प्यारी मैंने मराठी में देखी, जबकि मेरे को मराठी नहीं आती, तो क्यों? क्योंकि वो कंटेंट इतना प्यारा था, और सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं होती मेरे को लगता है। अच्छा आपको लगता है कि जो कंटेंट पे हमें खासकर मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको नहीं लगा कि मार्केट भी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा अगर मार्केट बनाएंगे नहीं, जैसे ऑडियंस को जोड़ा जाए तो थोड़ा सा और उसका फायदा मिलेगा? पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी की बहुत, प्रोड्यूसर चाहिए, पीसा चाहिए, पीसा ही मैं जैसे गुड़गांव में गया था, जल्दी आ गया तो वहाँ काम कराउंड मारा, वहाँ थोड़ा देखना चाहिए कि हाँ अगर यहाँ इस गांव में किस डार का स्ट्रक्चर है, तो वो चीज़ मैं एक्सप्लोर करने जा रहा था। उड़ जाकर मैंने बात करी, मैंने तो नहीं जाना मैं डायरेक्टर ज़्यादा करूँ, डायरेक्ट करूँ चीज़ें, तो फिर मैंने कहा हमारी नूनू वेब सीरीज आई देखिए आपने, बोला ना यार, बोला दिखा, तो लिटरली मैंने उनको दिखाया, बोला यार बड़ा अच्छा काम कर रहे, ये अपने गाँव के बड़े बुढ़ा ने कही
चाहिए, बोला यार अच्छा कर रहे हो तुम तय, तो उन तक चीज़ें पूछ नहीं रही, जैसे पूछेंगे ना तो मजे आओगे। तो चलिए हरिओम जी बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं हूं कुमार और इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ दो बेहतरीन हरियाणवी कलाकार और आशीष जी से तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपने हरियाणा बीट्स पे इनको देखा भी होगा, साक्षात डीजे वाले बाबू में जो एक्टिंग जो किरदार इन्होंने निभाया, साथ ही साथ स्टेज ऐप की बहुत सारी सीरीज में फिल्मों भी ये आ चुके हैं, बेहतरीन हरियाणा के कलाकार हैं, साथ साथ चिराग भी हमारे साथ उभरते कलाकार हैं। तो चलिए बातें करते हैं दोनों से, जानते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में। तो आशीष जी पहले तो स्वागत है आपका हरियाणा बीट्स पर। धन्यवाद हरियाणा बीट्स का और सारे दर्शकों का कि भई आपने हमें मौका दिया फिर से जुड़ने का। और आज हम लोग आए हैं यहाँ पर चौपाल के दंगल में। जी हाँ, चौपाल एक ऐप है अपना हरियाणवी पंजाबी और भोजपुरी तीनों भाषाओं में जो एक चौपाल तैयार किया जा रहा है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको सारा का सारा मनोरंजन का। तो अभी हम लोग चौपाल के दंगल के लिए आए हैं सांगी गांव में, जहाँ पर और भी कलाकार अभी जुटने वाले हैं हमारे साथ। इसमें अभी मेरे साथ खड़े जो हैं वो आपके अपने चिराग बसीन है, यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ हरियाणा, और इनकी स्कैम आ चुकी है चौपाल पे, और उनसे पूछे उसके बारे में ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो चिराग देखते हो पहले तो आप इतनी छोटी उम्र में डायरेक्टर बन गए, तो आपने मतलब डायरेक्शन का ही सोचा था कि ये सोचा कि पहले एक्टिंग वगैरह स्टार्ट करें डायरेक्शन? ना जी, मैं शुरुआत से डायरेक्शन में ही इंटरेस्टेड था और उसी में ही हम लगे हुए थे। अच्छा जी, जी तो स्कैम जो सीरीज है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह की वो सीरीज है, किस तरह? स्कैम देखिए जी, हर एक की जिंदगी में स्कैम होता है, बिल्कुल, और आजकल तो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, और अब स्कैम के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा कि फिर अगर दर्शकों यहाँ बता दें फिर ओटीटी पे चौपाल पे नहीं जाएंगे। तो आप चौपाल पे जाओ, अब तो प्लान भी सिर्फ 49 रुपीज़ का हो गया है, पहले तो महंगा था, अब तो सिर्फ 49 रुपीज़ का प्लान हो गया है। और स्कैम के साथ साथ और भी बहुत सारी फिल्में हैं, अभी उड़ान जिंदगी की रिलीज़ हुई है संग्राम जी, जो अब अपने हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके ऊपर है। अच्छा चिराग जी, देखो हरियाणा में जिस प्रकार से एक अब पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल सज रहा है, काफ़ी जो फिल्में वेब सीरीज़ बन रही हैं, गानों की शुरुआत हुई, और आप जैसे जो नए नए जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हो चाहे सिंगर हो एक्टर हो, हर तरह के जो नए नए जो जो टैलेंट है जो खोज के बाहर आ रहा है, तो आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये जो एरिया है जो हरियाणवी इंडस्ट्री का जो दायरा है और ज़्यादा बढ़ेगा? सर बढ़ेगा और बढ़ रहा है, मतलब आने वाले समय की तो दूर की बात है, आप इसी साल में देख लोगे कि अब चौपाल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, पंजाब का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है चौपाल, वो जब हरियाणा में आके प्रोडक्ट्स बना रहा है और अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, तो मेरा मानना है कि हम दर्शकों का भी मतलब एक कर्तव्य बनना चाहिए कि हम उस पर जाएँ और अपने कला को प्रमोट करें, अपनी बोली को प्रमोट करें। बिल्कुल। अच्छा तो आशीष देगी, आप इतने लंबे टाइम से आप हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको जी कौन कौन सी ऐसी जो खामियां आपको इंडस्ट्री में कुछ नज़र आ रही है कि जो आपको लगता है कि वो दूर होनी चाहिए ताकि जो इंडस्ट्री का फ़ायदा हो, ग्रोथ है वो और ज़्यादा अच्छे से होती रहे? वो देखिए, खामियां खूबियां तो वक्त के साथ जैसे जैसे काम होता है आती जाती हैं, आपको दिखती रहती हैं। अभी जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि हमें क्वालिटी का कंटेंट नहीं बना पा रहे कलाकार हैं, मतलब तरस रहे हैं बेचारे आर्टिस्ट की भाई यार हमको ऐसे डायरेक्टर्स मिले, ऐसे प्रोड्यूसर्स मिले, ऐसे क्रिएटर्स मिले या ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिले जहाँ पर हम अपना काम बहुत अच्छे से एग्जिबिट कर पाएँ। सेम वहीं डायरेक्टर्स के लिए भी ऐसा नहीं कि कहानियाँ नहीं हैं उनके पास, लेकिन उनको वो प्रोड्यूसर्स के बैकअप नहीं है जो हमारी इंडस्ट्री में चाहिए। देखिए, किसी भी कला को कहीं तक पहुंचाने में ये नहीं है कि सिर्फ कलाकार का हाथ होता है, उसमें आम दर्शकों का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर अभी आप देखोगे कि हमारा जो दर्शक है वो जागरूक नहीं है उस तरीके से, तो जब कोई भी ओटीटी आता है वो यही सोचता है कि हम दर्शकों का रुझान हमारी तरफ जुड़े। एक कलाकार को वही है ना, पहचान उसकी तब होती है जब उसको पब्लिक पहचानती है, लेकिन पब्लिक पहचाने ही कैसे भाई, अगर आप ऐप नहीं देख रहे, चीज़ें नहीं देख रहे, तो आप उन चीज़ों पर जाओगे कैसे? तो अभी जैसे चौपाल ने बिल्कुल उन्होंने सही बोला कि 49 रुपये बहुत, मतलब आपका आम जीवन में चाय पानी का खर्चा है इतना ना, तो उसके अंदर आपको फिल्में देखने को, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हरियाणवी में देखने की, पंजाबी भी देख सकते हो, भोजपुरी भी देख सकते हो, तो जो इस तरह का मिश्रण देखने को मिलता है, अब उम्मीदें हैं कि और बेहतर होगा, मतलब हम लोग किसी स्टेज से चौपाल, चौपाल से और बड़े मंच पर पहुँचे, तो वो जो चीज़ें हैं वो होती रहें, और उसके लिए दर्शकों के बिना नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली जो खामी है वो दर्शकों को ही अपनी सुधारनी पड़ेगी कि हमें खर्च करना है मनोरंजन पे, और हमें
ऐप डाउनलोड करने हैं, सब्सक्राइब भी करने हैं और कंटेंट भी देखने हैं और उसका प्रचार भी करना है, अच्छा बुरा उसके बाद आएगा। बिल्कुल ठीक है, ये है जी। कहीं ना कहीं हरियाणवी इंडस्ट्री को जरूरत है इस वक्त फिलहाल, वो है मार्केट की जी। क्योंकि देखो जो हरियाणवी सॉन्ग्स है डेफिनेटली चाहे वो पूरे नॉर्थ इंडिया में पूरा दबदबा हरियाणवी सॉन्ग्स का रह रहा है, लेकिन जो दर्शक है अभी भी नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, चाहे वो पंजाबी कंटेंट हो वो थोड़ा सा हैवी है, यहाँ पर बॉलीवुड है वो भी हैवी है, तो उसकी क्या वजह है कि थोड़ा सा एक जो ट्रेड है उसको टूटने में टाइम जो लग रहा है, इस वजह से थोड़ा सा बस जगह नहीं बना पा रही है हरियाणवी फिल्में? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, जगह नहीं बना पा रही वाला तो मामला ही नहीं है। देखो क्या है कि कंटिन्यू काम होना ज़रूरी है, जैसे अभी आई थिंक चिराग को 3-4 साल हो गए, चिराग की दो ढाई साल हो गए हैं और वो बैक टू बैक फिल्म बना रहे हैं। अगर ऐसा होता कि भाई फिल्में कहीं कोई जगह ही नहीं बना रहे, तो फिर वो एक आदमी एक फिल्म के बाद दूसरी बना नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन खपत है। बात सिर्फ ये है कि जो अभी धीरे धीरे, जैसे अभी क्या आपने गानों की बात की, गाने हम यूट्यूब पे एक फ्री पोर्टल है, आप क्लिक करो, आप इंटरनेट का ही खर्चा है आपका और कोई खर्चा नहीं है, तो आप सिर्फ वो क्लिक करके देख लेते हो। लेकिन जब ये गाने भी आपको पैसे देके सुनने पड़ेंगे, तब देखते हैं कि कितने लोग उन चीज़ों के लिए करते हैं, क्योंकि कभी टेप कैसेट या उससे पहले जो सीडी या जो भी वो पहले प्लेट्स आते थे उनका कैसे शुरू हुआ था, ऐसे ही हुआ था ना कि भाई कोई एलपी रिकॉर्ड खरीदता था, ठीक है, फिर कैसेटों पे आ गए, फिर उस पे आ गए, लोगों के घर घर में डायलॉगों की कैसेट थी। तो वो जो मनोरंजन के रुझान के लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी जो दर्शक को है, और ऐसा नहीं कि कमी है, अब बढ़ रहा है। मतलब अगर आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से एक चौपाल आ गया हमारे साथ जुड़ गया, जिसके लिए हम लोग आए हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। मतलब इसमें चिंता की बात नहीं है, स्लो है लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। मतलब वही ना, खरगोश कछुए में कछुआ जीत जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग जीतने कगार पे हैं, कभी ना कभी पहुंच जाएंगे, मंजिल चाहे दूर हो चाहे नजदीक। चलिए, हमसे बात करने के लिए आशीष जी, चिराग जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच।